जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सुरेश मेहता अकेडमी में। आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हैं संविधान से संबंधित। संविधान में हमारा आज का टॉपिक होगा प्रस्तावना यानी प्रम्बल। प्रम्बल के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट बताएंगे और प्रश्न हर बार किसी न किसी तरह से पूछा गया है। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और देखने को मिलते हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। हमने ये प्रश्न कुछ सिलेक्ट किए हैं, आप उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे और सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हम कुछ बता देते हैं कि हमारे संविधान में जो उद्देश्य का है उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें एक उद्देश्य का शब्द दिया गया है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो हमारे जो संविधान लागू हुआ था उस समय उद्देशिका में कुछ बातें वर्णित हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा जो संविधान है, जो उद्देशिका है, उसका स्टार्टिंग ही पॉइंट है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब हमारे यहाँ अगर आपसे ऐसे करके कुछ बातें दी गई हैं, न्याय की बातें की गई, किस तरीके की न्याय है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, और फिर स्वतंत्रता की बात हमारे इसमें की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। फिर यहाँ पर कुछ समता भी बातें की गई हैं, किसकी प्रतिष्ठा और अवसर की, इन सब को प्राप्त करने के लिए, और कुछ और शब्द दिए गए हैं इसमें, जोड़े गए हैं, जैसे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस बंधुत्व को बनाए रखने के लिए ये सारे शब्द लिए गए हैं। और इन्होंने कहा है संविधान सभा में, जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन ये प्रस्तावना को पढ़ा गया और प्रस्तावना को हमारे संविधान में लागू किया गया था। आइए आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आज हमारा पहला प्रश्न है जो कुछ इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी, उन्हीं में से एक ये वर्ड है, इनमें से कोई एक शब्द उल्लेखित नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंटेनेड इन द प्रम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से उल्लिखित नहीं है। तो कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? सोशल जस्टिस, क्या हमारे संविधान में न्याय के बारे में बताता है? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और रीजनल जस्टिस, रीजन्स जस्टिस, यानी धार्मिक जो है उसके बारे में बताया गया है कि न्याय हमारे जो संविधान में है। तीन प्रकार की न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की और आर्थिक न्याय की। धार्मिक न्याय की हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं है। आई होप आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। इसका प्रश्न उत्तर का सही है आंसर डी। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं तो आप बता देंगे, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय है। जो प्रस्तावना में अगर न्याय की बात की गई, कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या की गई है, तो तीन प्रकार की न्याय की व्याख्या कही गई। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। अभी हमने आपको बताया कि न्याय के बारे में, देखो क्या है, हाउ मैनी टाइप ऑफ जस्टिस हैव इंजर्ड इन द प्रम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे जो संविधान है भारत के संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई है। तो ए है 2 यानी 2, बी 3 या 3, सी 1, 4, डी जिसका मतलब है 4। तो हमारे संविधान में अभी हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई थी, तीन प्रकार की न्याय की बात की गई थी। कौन कौन से न्याय थे? सामाजिक न्याय था, राजनीतिक न्याय था और कौन सा था? आर्थिक न्याय की बात की गई थी। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई? तीन प्रकार की। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हमारे जो संविधान है
लिखा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित उद्देशिका में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, यानी जो उद्देशिका है उसमें नहीं है। लिखा है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एम्बोडिड इन द प्रम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, संविधान है, उसमें कौन सा शब्द नहीं दिया गया है जो संविधान की प्रस्तावना है या उस देश का है। तो देखिए अभी हमारे जो संविधान है उसमें क्या है, विचार की स्वतंत्रता भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, हालांकि आर्थिक क्या है, अभी हमने बताया आर्थिक न्याय की बात की गई थी। इस प्रश्न में क्या है, हमारे जो संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता में क्या नहीं सम्मिलित है, तो आर्थिक नहीं है। हमारे संविधान में 5 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, अभी हमने उद्देश्य का पढ़ा था, उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी, विचार की स्वतंत्रता थी, आप कुछ तरीके के विचार रख सकते हैं, किसी के प्रति क्या सोच सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी आप किसी के सामने कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास है, विश्वास की किसी के प्रति किसका विश्वास है उसकी स्वतंत्रता है, आपको धर्म की स्वतंत्रता है, आपको उपासना, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की है। जैसे अभी हमने न्याय की बात की थी, कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या की गई थी प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार की। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो हमारे उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, जो न्याय की स्वतंत्रता की व्यवस्था में नहीं आता है, तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही जो गलत उत्तर है वो बी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए जो हमारा संविधान है आगे उसमें फिर और फिर पूछा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। अभी फिर से यही बात की गई, उल्लेख नहीं है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे बहुत से होते हैं जो इतने वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, यानी जो हमारे उद्देश्य का है उसमें क्या उल्लेखित नहीं है। हाँ लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटेड इन द प्रम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इसमें देखिए, यानी जो हमारी उद्देश्य का है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो सबसे पहले सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता, डिग्निटी ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, इक्वालिटी ऑफ द रिप्यूटेशन क्या है, प्रतिष्ठा की समानता, और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की अखंडता। हमारे संविधान में क्या व्याख्या नहीं की गई है, यानी जो उद्देश्य का है उसमें क्या नहीं है, तो अभी हमने बताया सामाजिक समानता, जो हमारे सामाजिक समानता की बात नहीं की गई है, हमारे समानता किसकी किसकी है, समानता की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, इतने 3 चीज़ों की हमारी जो है बात कर रहा है संविधान, लेकिन हमारे सामाजिक समानता की बात नहीं करता है। ये हमें क्या मिलेंगे, DPSP में मिलेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा जो ए होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। अब फिर वही शब्द आ गया, फिर से मिलाकर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट देयर इज ए प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शब्द भारतीय की जो है उस प्रस्तावना में नहीं है, यानी उद्देशिका में नहीं है, प्रिम्बल में नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है। लिखा है फ्रीडम ऑफ वर्शिप यानी आप क्या है, उपासना की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की गरिमा की स्वतंत्रता है, अवसर की समानता है, लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा इसका डी सही ऑप्शन होगा, यानी हमारे जो यहाँ है लोकतांत्रिक सरकार की बात नहीं की गई है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर इसके ऑब्जेक्ट आंसर देख लेंगे। देखिए लिखा है कि भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है,
जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए सुनिश्चित करना है, क्या क्या सुनिश्चित करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, यानी जो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए किस चीज़ की क्या कह रहा है, लक्ष्य रखा गया है कि वह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था करेगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की। अभी हालांकि हमने ये पढ़ा है, ये बात सही है। फिर है विचार और अभिव्यक्ति की शुद्धता, यानी फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड एक्सप्रेशन। आप किसी के प्रति क्या विश्वास है, क्या विचार है, क्या उपासना है, क्या धर्म है, ये सारी अभी स्वतंत्रता हमने बताई थी। अवसर की समानता, यानी जो हमारा संविधान है वो अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इसमें से हमें पहचान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उत्तर देख लेते हैं, देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर मिलाइए कौन सा होगा। दिख रहा है, देखिए हमारे जो संविधान है उसमें देखिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी व्याख्या करता है, प्रस्तावना में जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और अवसर की समानता भी है, फिर क्या है व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी बात की गई है। अर्थात हमारे संविधान में चारों, यानी प्रस्तावना में, प्रम्बल में चारों बातों का उल्लेख है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, जो भी हमारे जो राजनीतिक है, सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज, यानी जो भारत के जो क्या है समस्त राजनीतिक सत्ता है उनका स्रोत क्या है। संसद है यानी पार्लियामेंट है, लोकसभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है यानी पब्लिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सी होगा। देखिए जो हमारी संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना वो कहती है, स्टार्टिंग ही होती है हम भारत के लोगों से, यानी जो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व्याख्या करते हैं कुछ उसके, यानी हमारी जो जनता है वही क्या है राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेवरेजिन इन इंडिया, यानी जो भारत का संप्रभु है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संप्रभु हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति, सेंट्रल कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर एज ए हैंड यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसका शीर्ष पर प्रधानमंत्री, फिर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। जो देखिए हमारे जो सोवरेनिटी की बात की जाती है, यानी सोवरेनिटी की बात की जाती है यानी संप्रभु की बात की जाती है, उसमें कौन से स्टार्टिंग में ही आते हैं हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी जो भारत के लोग हैं वही संप्रभु हैं, यानी संविधान जो अभी हमने प्रश्न सोल्व किया था उसी का ही संप्रभु का मतलब ही होता है कि हम भारत के लोग, यानी भारत ही सबसे ऊपर, जो जनता है भारत की जनता है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो है उस पर चर्चा कर ली जाती है। देखिए लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो दिखाए नीचे पीछे शब्द दिए हैं उन पर विचार करना है, क्या है समाजवादी यानी सोशलिस्ट है, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक, फिर है सेवरेनिज यानी संप्रभु संपन्न, पंथ निष्पक्ष है यानी स्केलर्स है। यहाँ पर हमारे जो संविधान में चार वर्ड अभी जो हमने चार बताए हैं, समाजवादी, प्रजातंत्र, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपक्षी। देखिए क्या है
ये चार आर्गुमेंट आपसे बताना है कि अरेंज द फॉलोइंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कंसिडरेट्स हैं, यानी इन्हें एक ऑर्डर में फिक्स करना है कि विचार कीजिए कि कौन सा शब्द पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिया गया था। तो शब्द से हमारी जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट करती है, हम भारत के लोग क्या होते हैं। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, फिर उसके बाद क्या होता है समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गुण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो इस यहाँ पर पहले जी एक ए आएगा, फिर क्या आएगा वी, पहले सी आएगा, यानी एक नंबर पे सी सी, देखिए यहाँ पर भी है सी, यहाँ पर भी है सी, यहाँ पर है डी, ऑप्शन कट जाता है। फिर दूसरा अगले क्या है, ये डी वाला कट गया, देखिए पहले सी आता है, फिर सी के बाद ए आएगा, फिर देखिए पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, फिर प्रजातंत्र की बात की गई, यानी इस आंसर का क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। देखिए जो हमारा संविधान है वो स्टार्ट ही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बारे में बता रहा है। जो हमारे संविधान की प्रम्बल है, प्रम्बल में बहुत कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको और हम देख लेते हैं, चर्चा भी करते हैं। देखिए क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, जिसमें एक लिखा है भारत में अनेक धर्म है, देयर आर मैनी रिलीजन इन इंडिया, यानी जो भारत है उसमें कई धर्म है, अनेक धर्म है। फिर कह रहा है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी क्या है इंजॉयज है रिलीजन्स फ्रीडम, यानी वो किसी भी धर्म की अपना सकते हैं, स्वतंत्र है। फिर क्या है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर है, यानी वो किसी भी धर्म का पालन करें या ना करें उसका भी निर्भर है। फिर कह रहे हैं भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है, अब हमसे यही पूछा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है कि भारत में अनेक धर्म तो हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी धर्म ना होना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये उत्तर नहीं हो सकता, इसका ये नहीं उत्तर होगा, इस उत्तर क्या होगा डी होगा, क्योंकि राज्य कोई भी, हमारे जो संविधान है वो कहता है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के लिए तटस्थ है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी जो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इन इंडिया एज अ स्कॉलर स्टेट, यानी क्या कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन कौन करता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार करते हैं, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना, नाइन्थ जो शेड्यूल है उसमें नवीं अनुसूची है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहाँ पर जो संविधान धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है वो किस में की गई है, तो देखिए अभी हमने बताया था हमारी प्रस्तावना है वो क्या कह रही है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, कोई राज्य का धर्म ही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वी सही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। यहाँ पर क्रांति की बात की गई है, किस कहाँ से क्रांति से प्रेरित है। जो दिखा है दियर द टर्म लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटी यूज इन ए प्रम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड फ्रॉम
रिवोल्यूशन यानी किस रिवोल्यूशन से ये प्रेरित है? तो आपसे रशियन रिवोल्यूशन हो सकती है, चाइनीज रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन वार इंडिपेंडेंस यानी जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कह रहा है मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है जो हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू किया गया था, क्या वो हमारे संविधान को अपनाया गया था उस समय जो संविधान की कह रहा है प्रस्तावना में क्या क्या वर्णन था। हालांकि दो शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे जिसमें कौन सा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द था। देखिए जो हमारे संविधान में दो शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्षता अखंडता आदि शब्दों के बारे में बताएंगे। देखिए जो हमसे पूछा है मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या नहीं है, तो आप जो संविधान हमारा तैयार हुआ था उस समय कौन से शब्द वर्णित हैं ये बात पूछिए, कौन से शब्द नहीं है ये भी कभी कभी पूछ सकता है। तो हमारे जो संविधान में क्या क्या नहीं क्या क्या था, सार्वभौमिक था, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष हालांकि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इस प्रश्न का ये उत्तर हो नहीं सकता है, लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर अगला प्रश्न है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक यानी धर, ये भी 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, समाजवाद शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा था। इस प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए तो बी होगा इस प्रश्न का, क्योंकि जो हमारा संविधान तैयार जिसमें लागू हुआ था वो इस समय ये तीन शब्दों का वर्णन किया गया था प्रस्तावना में जो तीन शब्द वर्णित थे, कुछ संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्दों को जोड़ा गया था उनके बारे में भी हमने चर्चा की। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको बार बार इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।